अब खबरें विस्तार से। मरीन ड्राइव स्थित झाड़ियों में करीब 300 बोरे गेहूं बरामद किए गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को सूचना मिली कि मरीन ड्राइव के बगल झाड़ियों में बड़ी मात्रा में गेहूं फेंक दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी बिंदेश्वरी तामता वहां पहुंचे। उन्होंने करीब 300 बोरे गेहूं बरामद किया। हालांकि गेहूं सड़ चुके हैं, ये किसकी करतूत हो सकती है इसका पता लगाया जा रहा है। तो सामने एक और तीन चार जगह भेजा फेंका हुआ है, बाहर हो जाने दीजिए। चलिए पंजाबी नोट कर लीजिए अनिल बाबू, पंजाब का माल यहाँ कैसे आ गया? ये ना बिष्टोपुर छाना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा सा आगे चलेगा तो सुनारी पड़ेगा, बिष्टोपुर छाना जाता है बाहर। ये लाके भैया ये सूचना लाके इसमें फेंका गया है ऐसा लगता है, और ये अपना स्टेट या अपना जिला का देखने से नहीं होता है कि ये इस जिला का है, इस पर लिखा हुआ है हरियाणा। उपायुक्त ने शुक्रवार को सभी प्रशासनिक अधिकारियों, खनन विभाग के पदाधिकारियों एवं सभी वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की, साथ ही शहर की विधि व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। जीएसटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक में व्यापारियों को जीएसटी नंबर लेने में हो रही परेशानी पर चर्चा की गई। शुक्रवार को जीएसटी एडवाइजरी कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में संयुक्त आयुक्त जेपी टोपनो ने उपस्थित अधिकारियों और उद्यमियों तथा व्यापारियों को बताया कि किस तरह वे जीएसटी नंबर हासिल कर सकते हैं। बैठक में चैम्बर के सदस्यों और अधिकारियों के अलावा ASIA के अधिकारी भी शामिल हुए। राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन श्री जेपी टोपो द्वारा चैम्बर के सेंट्रल विभाग के सभागार में जमशेदपुर जीएसटी एडवाइजरी कमेटी जो है उनकी एक बैठक बुलाई गई है, और खासकर इस बैठक बुलाने का मेन मकसद था रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी के अंतर्गत नए रजिस्ट्रेशन चालू हुए 1 जुलाई से, उसमें जो अगर किसी व्यवसायी को कुछ कठिनाइयां आ रही है तो उनके उन पर डिस्कस करने के लिए ये बैठक को बुलाया गया है। 2011 में आचार संहिता उल्लंघन मामले से झामुमो नेताओं को अदालत ने बरी कर दिया है। शुक्रवार को 2011 में साक्षी थाना क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर झामुमो नेता रामदास सोरेन, सांसद विद्युत वरण महतो, मोहन कर्मकार, दुलाल भुइया, शेख बद्रुद्दीन ने CJM की अदालत में हाजिरी दी। अदालत ने सभी को मामले से बरी कर दिया है। दादा क्या मामला था? मामला आचार संहिता के केस है, और उस समय हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के पांचों संचालन समिति थे जिला के, और पहले से निर्धारित मीटिंग हो रहा था, और इसमें हम लोग का नाम के ऊपर में केसेस हुआ था, और केस जो है निराधार रहा आरोप, और उसी के चलते न्यायालय ने हम लोग आशा रखे थे न्याय मिलेगा, उन्होंने न्याय दिया हम लोग का पांचों। आचार संहिता लागू था, T.K. केस किए थे, इसमें जो तभी का निर्वाचन रद्द गए थे, और उसमें आरोप था कि DC ऑफिस के सामने जो है सिविल सर्जन जी का एक होर्डिंग लगा हुआ था बड़ा सा, और वो चूंकि आचार संहिता लागू था उनको नहीं लगाना चाहिए था, कानून से यह है, लेकिन इन लोग को जान नहीं पाया था आचार संहिता लागू हो चुका था, तो उसमें लोग पुलिस केस किया था, लेकिन कोर्ट में कोई एविडेंस ला नहीं सका, इसीलिए उसको बरी कर। किनके कोर्ट में था? CJM साहब के पास था। पोटका प्रखंड पर स्थित गोल्ड माइन में काम करने वाले मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर झामुमो द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। उनका नेतृत्व जिला अध्यक्ष रामदास सोरेन कर रहे थे। राज्य सरकार का मिनिमम मजदूरी दिया जा रहा है, जबकि माइंस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए। जिस संबंध में आज से 15 दिन पहले प्रदर्शन कर यहाँ के DC साहब को मांग पत्र हम लोग सौंपे थे कि वहाँ माइंस एक्ट के तहत वहाँ माइंस से
केंद्र सरकार की जो न्यूनतम मजदूरी है वो मिलना चाहिए, और आप आज 15 दिन बीत जाने के बाद इस पर क्या कार्रवाई हुआ, इसी से डीसी साहब से आज हम लोग मिलने आए हैं, और मिलने के बाद क्या जवाब मिल रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है, उसका बाद फिर झारखंड मुक्ति आगे की रणनीति तैयार करें। वहीं दूसरी ओर AIDSO द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वे छात्राओं को छात्रवृत्ति में देरी का विरोध कर रहे थे। हम लोग सारे बीएड के स्टूडेंट हैं। हम लोग का मांग स्कॉलरशिप को लेके था। एक्चुअली इस साल से जो ऑनलाइन का जो दौर चला हुआ है, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से अभी स्कॉलरशिप मिलने में भी हम लोग को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक होता है, दो अप्रूव्ड होता है, एक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अप्रूव्ड होता है और एक आधार अप्रूव्ड होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये DA अप्रूव्ड हो चुका है, लेकिन AA अप्रूव नहीं होने के चलते उन लोग का जो स्कॉलरशिप मिलना था वो रुका हुआ है, और स्कॉलरशिप नहीं मिलने के चलते हम लोग का मतलब जो सेमेस्टर वाइज अभी जो हो रहा है, मतलब सेशन जो चल रहा है, नेक्स्ट सेशन में हो सकता है एडमिशन के लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसे से ही हम लोग एडमिशन लेने की मतलब हम लोग आशा करके रखे थे। वहीं एक अन्य मामले में विकास समिति द्वारा SDO को मांग पत्र सौंपते हुए लक्ष्मी नगर स्थित सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराने की मांग की गई है। हम लोग लक्ष्मी नगर झगुल बगान से आए हैं। वहाँ झगुल बगान में एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के पीछे में बस्ती वासियों के द्वारा एक जमीन खंड बचा कर रखा गया था बस्ती का उपयोग के लिए, जो सदुपयोग में हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, और वहाँ होता भी कुछ अतिक्रमणकारी बाहुबली लोग उस जमीन को अतिक्रमण करके बेचना शुरू कर दिए हैं। उसके लिए हम लोग SP को भी, SP DC SDO को हम लोग अवगत कराने आए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उस जमीन को खाली कराया जाए, अविलंब खाली कराया जाए। वहीं दूसरी ओर Raj.com के पीड़ित लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जादूगोगा में चर्चित इस चिटफंड घोटाले में 1800 करोड़ गबन का मामला है। बस पहले 1800 करोड़ रुपए लेकर कमल सिंह नामक व्यक्ति जनता का चिटफंड के नाम पर भाग गया था। उसे जो है जिला प्रशासन गुवाहाटी से गिरफ्तार कर लाई, लेकिन अभी तक ना उन हम गरीबों का पैसा वापस हुआ है, और उनके मुख्य सहयोगी जो उस कार्य का संचालन करता था दीपक सिंह, और उनके जो एजेंट है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। इस मामले में मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है, CBI जांच कर रही है, लेकिन मुख्य विषय ये है कि जिला प्रशासन के पास वारंट होने के बावजूद उनके भाई और उनके सहयोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं होमगार्ड में बहाल हुए जवानों ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपते हुए ट्रेनिंग कराने की मांग वाहिनी का है ना, उसका सारा प्रक्रिया कंप्लीट हो गया है। उसकी अपेक्षा में हम लोग उपयुक्त महोदय को एप्लीकेशन दिए हैं। उन्होंने हमने को आश्वासन दिया है कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होगा। और ट्रेनिंग क्या किसका मांग कर रहे हैं हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उसके विषय में कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग का, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में सारा प्रक्रिया पूरा हो गया हम लोग का, उसके विषय में हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। ग्रेजुएट कॉलेज में कई विषयों की छात्राओं को छात्रवृत्ति के जरिए प्रोत्साहन दिया गया है। ग्रेजुएट कॉलेज में अन्वेष संस्था द्वारा छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ विषयों की मेधावी छात्राओं का चयन किया गया और उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई गई। इनमें फिजिक्स, साइकोलॉजी, मैथ्स आदि विषयों की छात्राओं का चयन किया गया है। अन्वेषा का एक कार्यक्रम है, अन्वेषा एक संस्था है, जो बहुत मुझको बताया गया कि ये इसका जो प्रारंभ है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, और ये अन्वेषा संस्था बहुत सारे ऐसे कार्य कर रही है जिससे महाविद्यालय की छात्राओं को आर्थिक जो तंगी है उसका सामना न करना पड़े और वो अपनी पढ़ाई ठीक से कर सके।